नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बिल्डिंग ट्रेड के बारे में। मैं 3 क्लासेस ले चुका हूं, जिसमें मैं आप लोगों को सिलेबस बता चुका हूं और फर्स्ट चैप्टर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है ट्रेड परिचय एवं सुरक्षा एवं सावधानियाँ, उसमें मैं आप लोगों को ट्रेड परिचय बता चुका हूँ और सुरक्षा के बारे में बता चुका हूँ इससे पिछले की क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा PPEs यानी हमारी व्यक्तिगत रक्षा उपकरण। इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ट्रेड परिचय कि हमारा ट्रेड किस काम में आएगा, बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ परिचय में। उसके बाद मैं सुरक्षा के बारे में बताया, सुरक्षा कितने प्रकार की होती है और उसको हमको कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ सावधानियाँ रखनी है, सुरक्षा चिन्ह क्या होती हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा व्यक्तिगत रक्षा उपकरण यानी अपनी सुरक्षा में अपनी रक्षा करने के लिए हमें कौन कौन से उपकरण यूज कर सकते हैं, कौन कौन से करने चाहिए, इन सब कार्य के बारे में आज बताऊंगा। ये आपका क्या है, व्यक्तिगत रक्षा उपकरण यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPE, जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है PPE। ठीक, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये क्या है, कार्यशाला एक ऐसा क्षेत्र है यानी वर्कशॉप एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पूर्ण सतर्कता और साफ सफाई के पश्चात भी अवशिष्ट पदार्थ इधर उधर पड़े रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन अवशिष्ट पदार्थ एवं कार्यशाला में कार्यरत परीक्षार्थी एवं कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यानी हम अपने वर्कशॉप में या फैक्ट्री के वर्कशॉप में कितना भी साफ सफाई रखें, फिर भी कुछ न कुछ अवशिष्ट पदार्थ यानी व्यर्थ के पदार्थ इधर उधर पड़े रह जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, उनसे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के PPEs यूज करने पड़ते हैं यानी उपकरण, सुरक्षा उपकरण यूज करने पड़ते हैं। तो जैसे क्या होता है, लोहे की छीलन नीचे पड़ी हुई है, हम कितना भी सफाई करेंगे थोड़ी बहुत वो रह जाती है, तो हमारे पैर में चुभ सकती है, इसके लिए हम सूज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं जिसे हमको अपनी सुरक्षा करने के लिए तरह तरह के PPEs यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, वे साधन जो विभिन्न रूपों में मानव शरीर को आवरण के रूप में सुरक्षा प्रदान करते हैं क्या है, PPEs। PPEs क्या होता है, वे साधन जो विविध रूपों में मानव शरीर को आवरण रूप में सुरक्षा प्रदान करते हैं यानी ऐसे उपकरण जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, आवरण में यानी पहन लेते हैं तो हमारा क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ठीक है, शरीर में करो आवरण के रूप में, आवरण मतलब क्या हो गया, हम उसको पहन लिए या जिसे हम क्या पहन लिए, टोपी पहन लिए, हेलमेट लगा लिए, ग्लव्स लगा लिए, सब क्या होता है आवरण का काम करते हैं यानी हमारे शरीर के ऊपर एक परत और बनाते हैं, इसलिए उनको आवरण बोला गया है। ठीक है, अब हम सिर की सुरक्षा कैसे करेंगे इसके बारे में बताया गया है। सिर की सुरक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि सिर की सुरक्षा गिरती हुई वस्तुओं यानी हमारे सिर को चोट कब लग सकती है, गिरती हुई वस्तुओं से, कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है तो हमारे ऊपर तो आँख है नहीं तो हम नहीं देख सकते उसको कि हट जाए तुरंत, तो क्या है वो हमारे शरीर को सिर को चोट कर सकती है। तो हमको क्या लगाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। फिर वस्तुओं के विपरीत आघात, कभी कभी हमारा सिर इधर उधर टकरा जाता है, इसके साथ स्वेटर क्या होता है, बिल्डिंग करते समय बहुत सारी चिंगारियाँ उड़ती हैं उसे स्वेटर बोला जाता है, इन सबसे हमारे सिर को नुकसान हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या पहनना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। ये टोपी होती है जो बहुत ही हार्ड होती है, ये हमारे सिर की सुरक्षा कर सकती है। ठीक है, तो हमें किसी भी वर्कशॉप में जाने से पहले इस हेलमेट का उपयोग जरूर करना चाहिए। ठीक है, फिर पैरों की सुरक्षा आती है, सिर की सुरक्षा तो हो गई, अब पैर की सुरक्षा करनी है। पैर की सुरक्षा, पैर हमारा चोटिल कहाँ से हो सकता है, हार्ड स्वेटर यानी गर्म चिंगारियों से जल सकता है पैर, गिरी हुई वस्तुएँ यानी कुछ नीचे रखा हुआ है सॉलिड है तो उससे हमारे पैर में ठेस लग सकती है, तो हमारा पैर चोटिल हो सकता है। और कार्यकारी गीला क्षेत्र भी है तो पैर फिसल सकता है, या यदि कुछ केमिकल वगैरह है नीचे तो हमारे पैर में जलन हो सकती है। तो उस सबसे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सूज पहनना पड़ता है। ये सूज में बहुत बड़ी खासियत होती है, ये नॉर्मल सूज से अलग सूज होते हैं, ये प्रोटेक्टिव सूज अलग होते हैं। इनमें क्या होता है, ये जो सबसे नीचे विद्युत रोधी पदार्थ लगे होते हैं यानी विद्युत के जो कुचालक होते हैं, उसके बाद क्या होता है, स्टील लगी होती है, स्टील की एक पतली परत होती है ताकि जो लोहे की छीलन वगैरह है तो उसमें चुभ न जाए। फिर यहाँ पर भी एक स्टील यहाँ तक कवर रहती है, स्टील यहाँ तक कवर रहती है ताकि हमारे यहाँ पैर में जब ठोस या ठेस लगे तो हमारे अंगूठे को उंगली को कुछ ना हो, वो स्टील उससे सेफ कर लेती है हम लोगों को। ठीक है, इसलिए हमको ये क्या पहनना पड़ता है, प्रोटेक्टिव सूज। फिर नाक की सुरक्षा क्यों जरूरी है, ताकि हमारे नाक में ये धूल के
धूल के कण न जाएं और फालतू की गैसें फ्यूम गैसें यानी वेल्डिंग करते समय बहुत सारी गैस रिलीज होती है जो अशुद्ध होती है तो वो हमारे शरीर के अंदर ना जाए, इसलिए हमको क्या पहनना चाहिए, नोज मास्क पहनना चाहिए। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये नोज मास्क है, ठीक है, ये हमारी धूल कणों से और फ्यूम गैसों से सुरक्षा करता है। फिर हाथों की सुरक्षा भी ज़रूरी है क्योंकि सीधे संपर्क में छाले पड़ना है, यानी जब हम वेल्डिंग करते हैं तो पदार्थ क्या होता है गर्म हो जाता है, और गर्म पदार्थ को यदि हम डायरेक्ट टच कर लेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा और हमारे हाथों में छाले पड़ेंगे, प्लस विद्युत झटका। यदि किसी मशीन में करंट है और फॉल्ट किसी फॉल्ट के कारण पूरी मशीन में यदि करंट फैल गया है, उसे हम नंगे हाथों से छुएंगे तो हमको करंट लग जाएगी, हम चोटिल हो जाएंगे। तो क्या हम पहन लेते हैं, ग्लव्स पहन लेते हैं, दोनों हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं, तो क्या होता है हमको यदि हम गर्म चीज़ भी छुएंगे तो हमारा हाथ नहीं जलेगा और करंट भी लगने का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं विद्युत रोधी होते हैं, ठीक है। हमको हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स पहनना चाहिए। फिर आँख की सुरक्षा, आँख में क्या होता है कभी कभी धूल के कण उड़ के पड़ जाते हैं तो आँख में जलन होती है, चुभन होती है, प्लस यूवी किरणों जब हम बिल्डिंग करते हैं उसमें बहुत सारी अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं, तो उनसे सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये गॉगल्स पहनने चाहिए। आँखों की सुरक्षा के लिए क्या गॉगल्स पहनना चाहिए, इससे क्या होगा हमारी आँखों में धूल के कण भी नहीं जाएंगे और यूवी एंड आईआर किरणों से भी हमारी सुरक्षा हो जाएगी। फिर है आपके फेस की सुरक्षा, ठीक है, फेस की सुरक्षा के लिए जरूरी क्या है, ये फेस शील्ड आता है, इसमें एक पीछे बेल्ट होता है जिसको हम लगा लेते हैं तो ये हमारे पूरे चेहरे को कवर कर लेता है। यहाँ पर मिरर होता है देखने के लिए, यहाँ पर एक शीशा होता है जिससे हमको सामने चीज़ दिखती है, बाकी ये पूरा लोहे का बना होता है, मजबूत होता है, तो बाकी चीज़ कवर रहती है। इसको शीशे को हम बंद कर लेते हैं, यहाँ पर खुला हुआ है, इस शीशे को हम क्लोज कर लेते हैं तो हमारी आँखें भी सेफ हो जाती हैं। जब वेल्डिंग करते हैं या ग्राइंडिंग करते हैं तो बहुत सारी चिंगारियाँ उड़ती हैं तो उससे हमारे चेहरे में पड़ेंगी तो हमारा चेहरा जल जाएगा। वेल्डिंग स्वेटर है, वेल्डिंग की चिंगारियाँ हैं, इससे हमारा चेहरा जल सकता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए यूवी किरणों से सुरक्षा के लिए ये शील्ड मेटल बहुत ज़रूरी होता है, फेस शील्ड है ये। फिर कानों की सुरक्षा, कान में क्या हुआ उच्च शोर, यदि बहुत ज़्यादा ध्वनि बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है तो कान के पर्दे फट सकते हैं, हमको सुनाई कुछ दिनों को सुनाई कम देगा, तो उससे सुरक्षा के लिए हम क्या लगाते हैं ईयर मफ। ये क्या आता है, आप लोग इसको गाने के लिए लगाते हैं, गाना सुनने के लिए लगाते होंगे, लेकिन ये गाने से अलग होता है, ये साउंड को बहुत कम कर साउंड को क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा शोर है तो इसको हम लगा लेने पर हमको वो सब धीरे धीरे सुनाई देता है, ठीक। फिर अभी यदि हमको पूरी तरीके की सुरक्षा करनी है, पूरी तरीके की सुरक्षा क्यों करनी है, स्वेटर है कहीं भी जा सकता है, वो तो बता के नहीं जाएगा कि हाथ में जाना है कि फेस में जाना है, तो हमको पूरी तरीके की सुरक्षा करनी है तो पूरी तरीके की सुरक्षा करने के लिए हम क्या पहनते हैं एप्रन। ये क्या होता है कपड़े टाइप का होता है, इसको हम पहन के यहाँ पर बांध लेते हैं तो हमारे शरीर की वो पूरे कवर कर लेता है, तो हमारा पूरा शरीर सुरक्षित हो जाता है। ये क्या है लेग गार्ड्स हैं, ये शूज है आपका, ये फेस शील्ड लगा के रखा है, ऊपर हेलमेट भी लगा के रखा है, ये यहाँ पे ग्लव्स पहन के रखा है, ठीक है। ये हमारी पूरी पीपीज है, यानी हमको पूरी तरह से सुरक्षित होकर अपना काम करना है। फिर यदि हम मान लो किसी कारणवश लापरवाही के कारण या किसी और कारणवश चोटिल हो ही जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहला जरूरी है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं फर्स्ट एड, फर्स्ट एड यानी डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले कुछ प्राथमिक उपचार होते हैं जिसको हमको करना ज़रूरी होता है, ठीक। क्या है बेल्डिंग प्रक्रिया, बेल्डिंग प्रक्रिया में बिजली का झटका लगने पर आग के कारण बिल्डर के या कोई अन्य व्यक्ति यदि घायल हो सकता है तो क्या है ऐसी अवस्था में तुरंत डॉक्टर को बुलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। कि डॉक्टर के आने में देरी हो तो घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार अथवा प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए, यानी यदि कोई व्यक्ति चोटिल हो गया तो सबसे पहले क्या करना है डॉक्टर को बुलाना है। लेकिन डॉक्टर तो ऐसा है नहीं कि हमारे पड़ोस में बैठा है या कुछ दूर होगा तो उसको आने में कुछ टाइम लगेगा, तो उससे हमें उससे पहले हमको क्या करना चाहिए डॉक्टर को बुलाने के बाद फर्स्ट एड देना चाहिए, यानी प्राथमिक उपचार उसका स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अब प्राथमिक उपचार हमको कौन से करने हैं ये उसकी अवस्था के पर डिपेंड करता है कि किस तरह का चोटिल हुआ है, उसको चोट लगी है कि मोच आया है करंट लगी है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एड बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये क्या है फर्स्ट एड बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार से संबंधित दवाइयाँ रखी होती हैं और टूल्स होते हैं, ठीक है। ये हर एक फैक्ट्री में होना अनिवार्य होता है।
फिर कार्यशाला में कार्य करते समय करंट लगने पर तुरंत स्विच बंद कर देना चाहिए। इस स्थिति में व्यक्ति को नंगे हाथों से छुड़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, अपितु तो तुरंत किसी लकड़ी के तख्ते पर खड़े होकर पीवीसी के जूते पहनकर या हाथ में रबड़ के दस्ताने पहन कर ही छुड़ाना चाहिए या किसी सूखे डंडे से धक्का देकर छुड़ाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को करंट लग गया है तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जहाँ पर उसको करंट लगा है तो उसके जाके स्विच बंद करना चाहिए ताकि उसका करंट फ्लो आना इधर करंट आना ही बंद हो जाए। फिर दूसरी बात, उसको खुद हाथ से नहीं छुड़ाना चाहिए, जब आप हाथ से छुड़ाएं नंगे हाथों से छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको भी करंट लग जाएगा, आपकी भी हालत वही हो जाएगी जो इसको आप छुड़ाने गए हैं। तो हमें क्या करना है, लकड़ी तख्ते में खड़ा होने का मतलब क्या है, किसी कुचालक पदार्थ में खड़े होकर उसको छुड़ाना है। फिर पीवीसी के जूते पहनकर, लकड़ी तख्ते में खड़े होकर या पीवीसी जूते पहनकर, इन सबसे क्या होता है हमको नीचे से अर्थिंग नहीं मिलेगी तो हमको करंट नहीं लगेगा। और हाथ में रबड़ के दस्ताने, हाथ में क्या पहनना है, रबड़ के दस्ताने। रबड़ क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए हमें रबड़ के दस्ताने पहनने हैं। ये सब नहीं उपलब्ध है मेरे पास तो ये सूखी लकड़ी हो, गीली लकड़ी में करंट आ सकता है, गीली लकड़ी नहीं यूज करना है। सूखी लकड़ी हो, प्लास्टिक के डंडे हो, उससे उस आदमी को धक्का दे देना चाहिए या जो तार है तो वहाँ पर मार के उस तार को गिरा देना चाहिए, उस आदमी से डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, उसके बाद उस आदमी को हमको टच करना है। फिर अब उसको हम छुड़ा लिए, अब हमको आगे क्या करना है, अब देखें कि पीड़ित व्यक्ति ठीक से सांस ले पा रहा है या नहीं, यानी जिस भी व्यक्ति को करंट लगा है तो हमको चेक करना है कि व्यक्ति ठीक से सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। यदि पीड़ित व्यक्ति सांस ठीक से नहीं ले पा रहा है तो डॉक्टर को तुरंत बुलाएं, क्योंकि वो खतरे पे है, उसकी जान जा सकती है। ठीक, तथा तब तक पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम सांस दिलाने की कोशिश करें, और डॉक्टर को बुलाने के बाद हमको क्या करना है, उसको कृत्रिम सांस लेने की कोशिश करना है। ठीक है, कृत्रिम सांस कैसे देते हैं मैं आपको आगे बताऊँगा। यदि साधारण चोट लगने की दशा है, यदि साधारण चोट लगी है तो हमें क्या करना चाहिए, ये भी आपको बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप जान लो कि साधारण चोट लगने की दिशा में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या रखी होनी चाहिए, यानी जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें कंपलसरी चीज़ें क्या क्या होती हैं। उसमें है आपका पट्टियां हैं, बांधने के लिए बैंडेज, कॉटन यानी रुई, डिटॉल या मेवलिन। डिटॉल क्या है कि जब चोट लग जाती है तो हम डिटॉल धुल के उसकी डिटॉल डाल के उसकी धुलाई करते हैं। स्प्रिंट है जो चोट को ठीक करता है, टिक्चर हो गया, सोयाडीन बाइकार्बोनेट, पोटेशियम परमानेट, बर्नाल हो गया, कैंची हो गया, बैंडेज वगैरह काटने के लिए, ड्रॉपर हो गया, और आँख साफ करने का सामान होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में इतनी चीज़ें कंपलसरी होती हैं। यदि आप किसी गंभीर रूप से चोटिल व्यक्ति का प्राथमिक उपचार करते हैं तो सर्वप्रथम ABC का ध्यान रखना चाहिए। ABC क्या है, ABC एक मेथड है। ABC क्या है, ABC प्राथमिक उपचार करने का मेथड है। ABC शॉर्टकट है किसका, A for air, B for breathing, C for circulation। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ABC क्या है, ABC का फुल फॉर्म क्या है, A for air, B for breathing, C for circulation, यानी एयर मतलब क्या हुआ, यह ध्यान रखें कि उसके मुंह, नाक व गले में कोई अवरोधक ना हो, मुंह का यानी यदि वो मास्क वगैरह लगा रखे उसको हटा देना चाहिए ताकि उसको सांस लेने में आराम मिले, सांस लेने में कठिनाई ना हो, गले में कुछ फंसा है तो उसको निकाल देना चाहिए। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है बी यानी ब्रीथिंग, यह जाँच ले पीड़ित व्यक्ति सांस ले रहा है तो ठीक है, यदि नहीं ले रहा तो उसे हमको क्या करना है, कृत्रिम सांस देना है, यानी मुँह से मुँह में सांस देना है। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, उसके द्वारा हमको उसको सांस देने हैं, सांस देना है। ठीक है, फिर सी अगला मेथड है सी। ठीक, पहले ए को फॉलो करेंगे, उसके मुंह से मास्क हटाएंगे, हेलमेट हटाएंगे, गर्दन से जो भी कपड़ा वगैरह बंधा है उसको हटाएंगे, फिर क्या करेंगे, यदि वो सांस नहीं ले पा रहा है तो कृत्रिम सांस देंगे। फिर अगला मेथड है सी यानी सर्कुलेशन, यह जाँच लें कि पीड़ित व्यक्ति की नाड़ी चल रही है या नहीं, यदि नहीं तो उसे क्या करना है, यदि नहीं तो उसे CPR दें, उसे क्या करना है, CPR देना चाहिए। CPR कैसे देते हैं यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा, मैं किसी दिन आप लोगों को एनिमेशन के माध्यम से बताऊँगा CPR कैसे दिया जाता है, सिल्वेस्टर मेथड क्या होता है, सेफर मेथड क्या होता है, माउथ टू माउथ रिस्पिरेटरी मेथड क्या होता है। मैं एक दिन इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद इन सबका एनिमेशन करके बताऊँगा, ताकि आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, यदि आप ऑनलाइन लेते तो मैं आप लोगों को करवा के दिखाता, लेकिन ऑनलाइन क्लास वालों के लिए मैं एनिमेशन के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा कि ये रेस्पिरेटरी क्या होती है। से ये आगे पढ़ेंगे आप सिल्वेस्टर मेथड, सेफर मेथड, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, चित्र के माध्यम से समझ में नहीं आता, इन चीज़ों मैं एनिमेशन के माध्यम से आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर विद्युत झटकों के लिए प्रारंभिक प्राथमिक उपचार, यदि आपको विद्युत करंट लग गया है तो उसके लिए फर्स्ट एड क्या है, यानी प्राथमिक उपचार क्या है। तो विद्युत झटकों की तीव्रता शरीर में से गुजरने वाली धारा के स्तर तथा समय पर निर्भर करती है। विद्युत झटकों की तीव्रता किस पर डिपेंड करती है,
शरीर में गुजरने वाली धारा यानी करंट के स्तर तथा समय पर निर्भर करती है, यानी विद्युत के झटका हमको कितना तीव्र है, कितना ज़्यादा घायल किया है, किस पर डिपेंड करता है, उस जो उसकी करंट कितनी थी, करंट का स्तर कितना था, करंट कम था या ज़्यादा था, और कितने समय तक हमारे टच में था, इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर कार्यशाला में किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगने की स्थिति में बिना देर किए उचित कार्रवाई करना चाहिए, यानी यदि किसी को करंट लग गया है तो हमें वो लेट लतीफी नहीं करनी है, तुरंत उसके उपचार की ओर ध्यान देना है। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, विद्युत धारा की आपूर्ति को भी संयोजित कर देना है, यानी जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है वहाँ का स्विच ऑफ कर दो, इधर मतलब इधर ये दुर्घटना हुई है उससे पहले जाके आप स्विच उसका ऑफ कर दो ताकि इधर करंट आना बंद हो जाए, पहला काम। फिर यदि व्यक्ति अभी भी विद्युत आपूर्ति के संपर्क में है, यदि इसके बाद भी यदि वो करंट यानी वायर के टच में है तो हमें क्या करना है, विद्युत आपूर्ति को बंद करते हैं आप फिर भी अभी टच में है तो हमें क्या करना है, प्लग को हटाएं, यानी वो वायर जहाँ से आ रहा है वहाँ से जाके अब उसके प्लग को हटा दें, प्लग या जो केबल है केबल को खींच कर निकाल दें, यदि ऐसा नहीं हो पाता तो किसी विरोधी सामग्री यानी विद्युत रोधी सामग्री जैसे सूखी लकड़ी, रबर या प्लास्टिक पर खड़े होकर स्वयं को विद्युत रोधी करें। सबसे पहले अपने सेफ रखना है यानी विद्युत रोधी होना है, फिर विद्युत को धकेल कर या खींच कर विद्युत से मुक्त कर दें, व्यक्ति को धकेल कर क्या करना है, लकड़ी डंडे से व्यक्ति को धक्का देना है ताकि वो तार से अलग हो जाए, वायर से अलग हो जाए या जिस भी करंट वाले यंत्र के संपर्क में आया है उससे अलग हो जाए, धकेल कर उससे क्या करना है, विद्युत से सबसे पहले उसको उससे अलग करना है। फिर जब तक कि परिपथ निष्क्रिय न कर दिया जाए अथवा पीड़ित व्यक्ति को विद्युत उपकरण से अलग न कर दिया जाए तब तक आप बिना विद्युत रोधी नंगे हाथों से पीड़ित व्यक्ति को न छुए, यानी जब तक वह परिपथ यानी वायरिंग जो है वो करंट लेस ना हो जाए, यानी करंट से उसमें करंट आना न बंद हो जाए, या जब तक वो व्यक्ति करंट से अलग ना हो जाए तब तक उसको हमको नंगे हाथों से नहीं छूना है, अन्यथा करंट की चपेट में हम भी आ सकते हैं। ठीक है, यह चित्र में आपको दिखाया गया है कि हमको किस तरह दूर करना है। ये देखिए, ये आदमी है, यहाँ पर एक तार है, इसके टच में ये आ गया है तो हमको उसको डायरेक्ट छूना नहीं है। ये आदमी क्या कर रहा है, लकड़ी सूखी लकड़ी के माध्यम से उसके हाथ को तार से अलग करने की कोशिश कर रहा है, जैसे अलग हो जाएगा तब उसको हमको टच करना है। ठीक है, यदि पीड़ित व्यक्ति भूतल से ऊंचाई पर हो तो उसे नीचे गिरने से बचाने के लिए उचित, यदि व्यक्ति को फर्श में नहीं यदि किसी हाइट पर काम कर रहा है वहाँ पर करंट लगा है तो वह गिर न जाए, सबसे पहले हमको उसकी सेफ्टी देखनी है कि वो गिरने से बच जाए, यदि वो गिरेगा तो उसको अलग से चोट, करंट की चोट अलग होगी, फिर गिरने की चोट उसको अलग से लग सकती है और उसकी जान जा सकती है। ठीक है, फिर है पीड़ित व्यक्ति को बिजली के झटके या घाव अधिक क्षेत्र में तो नहीं होगा परंतु गहरा होगा, बिजली के झटके का घाव क्या होता है, बहुत गहरा वो क्या होता है, बहुत क्षेत्र में नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं कि पूरे शरीर में उसके घाव होंगे, बिजली का झटका जहाँ पे बिजली के वायर टच होता है वहाँ पर रहता है और वो घाव क्या होता है, बहुत गहरा होता है। ठीक है, पूरे शरीर में तो नहीं होता लेकिन जहाँ भी होता है तो बहुत गहरा होता है। इस स्थिति में आप यह कर सकते हैं कि उस स्थान को साफ जीवाणु रहित पट्टी से ढक दें, क्या करना है, उसको साफ एवं जीवाणु रहित यानी स्वच्छ पट्टी, साफ सुथरी पट्टी एवं जिसमें बैक्टीरिया वायरस न हो उस पट्टी से ढक देना है तथा झटके के लिए उपचार करें, तथा जो बिजली का झटका लगा है उसके लिए हमें उपचार करना चाहिए और यथासंभव डॉक्टर को यथाशीघ्र बुलाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, फिर यदि पीड़ित व्यक्ति बेहोश है परंतु सांस ले रहा है तो उसकी गर्दन छाती तथा कमर के आसपास के वस्त्र ढीले कर दें और उस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में रखें, यानी यदि कोई पीड़ित व्यक्ति बेहोश हो गया है लेकिन सांस ले रहा है तो हमें क्या करना है, उसके कपड़े सभी ढीले कर देने हैं उसके शरीर को ताकि रिलैक्स महसूस हो, उसकी गर्दन छाती तथा कमर के आसपास के कपड़े, गर्दन हो गया, छाती हो गया, कमर हो गया, उसके आसपास के कपड़े को ढीला कर देना है तथा उस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में उसके चारों ओर घेरा बना के नहीं खड़े होने हैं, उससे उसको स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी, उसके आसपास हवा की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक, फिर क्या है, श्वसन तथा नाड़ी चलने की दर पर लगातार ध्यान रखें, उसकी नाड़ी चेक करनी चाहिए, उसका पल्स रेट क्या है, हार्ट रेट क्या है, इन सब पर लगातार ध्यान देना चाहिए। फिर पीड़ित व्यक्ति को गर्म तथा आराम से रखें, पीड़ित व्यक्ति को क्या रखना है, गर्म रखना है और उसको रिलैक्स मूड पर रखना है। ठीक है, बेहोश व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया तो उसको अकेला नहीं छोड़ना है, यदि पीड़ित व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तो उसे तुरंत कृत्रिम श्वास देने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला है विद्युत द्वारा होने वाली अन्य घटनाएं एवं निवारण, विद्युत द्वारा कुछ और भी घटनाएं हो जाती हैं वो क्या क्या हैं, उनका निवारण हम कैसे करते हैं, इसमें बताया गया है, यह सहायता निकट उपलब्ध हो तो किसी को डॉक्टरी सहायता के लिए भेजें तथा स्वयं प्रारंभिक उपचार आरंभ करें, यदि आप अकेले हैं तो उपचार तुरंत
तत्काल आरंभ करें, ठीक है। यदि डॉक्टर आपके पास में है, बहुत दूर नहीं है, तो उसके पास किसी को भेज देना चाहिए और आपको खुद उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए, फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार चालू कर देना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारणवश आप अकेले हो और वो घायल व्यक्ति है, तो आपको क्या करना है, कॉल पर डॉक्टर को बताना है, फ़ोन लगा के डॉक्टर को अलर्ट करना है, बुलाना है और उसका प्राथमिक उपचार स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। यदि विद्युत धारा को अधिक विलंब के बिना बंद किया जा सकता हो, तो विद्युत आपूर्ति को बंद करें। यदि विद्युत धारा को, यदि आपको लगता है कि इस आदमी को जितना टाइम पे हम अपने उस वायर से अलग करेंगे, उससे जल्दी हम स्विच को ऑफ कर सकते हैं, तो पहले क्या करना है, स्विच को जाके ऑफ कर देना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति अपने आप अलग हो जाए, ठीक है। अन्यथा शुष्क अचालक सामग्री जैसे लकड़ी, रस्सी, स्कार्फ, रीढ़ के किनारे के कपड़े की कोई शुष्क वस्तु, बेलित अखबार, आधात्विक पाइप, पीवीसी नली, बैकलाइट, कागज नली इत्यादि के प्रयोग से पीड़ित को व्यक्ति विद्युत संपर्क से अलग करें। यानी यदि आपको लग रहा है स्विच ऑफ करने में हमको बहुत टाइम लगेगा, स्विच को ऑफ करने में बहुत टाइम लग रहा है, स्विच जो है बहुत दूर है, वहाँ जाने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो हमें क्या करना है, स्विच ऑफ ना करके सबसे पहले क्या करना है, लकड़ी, रस्सी, स्कार्फ, यानी जितने भी विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं उसके माध्यम से उस व्यक्ति को तार से अलग करना है, वायर से अलग करना है। रस्सी, स्कार्फ, पीड़ित व्यक्ति के किनारे के कपड़े, यानी पीड़ित व्यक्ति को एक कपड़ा पहना है और ढीला है, तो उसको दूर से पकड़ के आप खींच सकते हो, क्योंकि कपड़ा क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। बेलित अखबार, अखबार बहुत सारे इकट्ठा कर लीजिए, जब मोटा हो जाए तो भी विद्युत रोधी हो जाएगा। आधात्विक पाइप यानी प्लास्टिक रबड़ की पाइप, पीवीसी नली, बैकलाइट कागज, ठीक है, इन सब का उपयोग करके आप विद्युत से उसको अलग कर सकते हैं। पीड़ित से स्वयं को सीधे संपर्क में आने से बचाना है, यानी नंगे हाथों से, अपना नंगे हाथ मतलब ये नहीं कि नंगे हाथ मत छुआओ, पैर टच कर दो, ऐसा नहीं है, हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डायरेक्ट हम पीड़ित के संपर्क में ना आए। यदि रबड़ के दस्ताने उपलब्ध नहीं है तो अपने हाथों को शुष्क पदार्थ से लपेट लें। यदि आपके पास रबड़ के दस्ताने नहीं है तो शुष्क पदार्थ यानी सूखे कपड़ों से या बहुत सारे कागज से लपेट के उसको टच करना चाहिए। फिर है विद्युत से जलना, ठीक है। विद्युत धारा शरीर से प्रवाहित होने पर व्यक्ति विद्युत आघात के साथ जल भी सकता है। क्या होता है, जब विद्युत की धारा बहुत ज़्यादा होती है तो व्यक्ति क्या होता है, जल भी सकता है। विद्युत करंट लगने पर व्यक्ति जल भी सकता है। जले होने पर प्राथमिक सहायता देने में देरी न करें, जब तक उसकी सांस सामान्य न हो जाए, जब तक वह खुद से सांस न लेने लगे तब तक उसको हमको क्या करना है, कृत्रिम सांस देने हैं। फिर पीड़ित सहायता बिना सामान्य रूप से सांस न लेने लगे तब तक पीड़ित को क्या करना है, प्राथमिक सहायता देते रहें, जब तक पीड़ित ठीक न हो जाए, यानी कम से कम अपने आप से सांस लेने लगे, तब तक हमको उसको प्राथमिक उपचार देना है और डॉक्टर को बुलाना है। जलना या झुलसना, यदि शरीर का अधिक भाग जला है तो पीड़ित व्यक्ति को स्वच्छ कागज अथवा एक स्वच्छ कमीज से ढक दें। पीड़ित के बहुत सारा भाग जल गया है तो हमें क्या करना है, स्वच्छ यानी साफ़ सुथरा कागज या साफ़ सुथरे कपड़े से उसको ढक देना, ताकि उसमें मच्छी वगैरह न बैठे, बैक्टीरिया वायरस ऊपर से ना जाए, उसको साफ कपड़ों से ढक देना है, ठीक है। फिर है अत्यधिक रक्त स्त्राव, यदि उसके घाव से ज़्यादा रक्त स्त्राव हो रहे हैं, रक्त का बहाव ज़्यादा हो रहा है, तो हमें क्या करना है, किसी भी घाव विशेषकर कलाई, हाथ अथवा अगली से यदि अत्यधिक रक्त स्त्राव हो रहा है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। यदि अधिक रक्त का बहाव हो रहा है तो क्या करना है, उसे गंभीरता से लेना है तथा कुशल व अनुभवी व्यक्ति को देखना चाहिए। रक्त स्त्राव को रोकने तथा संक्रमण न होने देने के लिए घाव पर दाब देना स्वयं में सर्वोत्तम प्राथमिक चिकित्सा उपाय है, ठीक है। यदि किसी के रक्त स्त्राव ज़्यादा हो रहा है, कलाई से हो रहा है या हाथ से हो रहा है या गुलियों से हो रहा है, रक्त का बहाव ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करना है, हमको वहाँ पे प्रेस करना है, दबा के रखना है, कब तक, जब तक उसका फ्लो बंद ना हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि गले में हो रहा है तो गला आप दबा दो, गला नहीं दबाना है, उससे वो ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन ऐसे अंग जहाँ पे हम दबाएं तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, तो उसके प्रेशर को दबा के रखना है जिससे उसका रक्त स्त्राव बंद हो जाए। गहन रक्तस्राव सदैव निम्नकार, पीड़ित व्यक्ति को पहले क्या करना है, यदि ज़्यादा रक्तस्राव तो पीड़ित व्यक्ति को पहले आप लिटा दो तथा आराम करने दो, फिर यदि संभव हो तो पीड़ित व्यक्ति के घायल भाग को शरीर स्तर से ऊपर रखें। क्यों, यदि ऐसे अंग में चोट लगी है कि जिसको हम उठा सकते हैं, जैसे पैर में लग गई, हाथ में लग गई, तो हम व्यक्ति को क्या करना है, पहले लिटा देना है, फिर उसको ऊपर जिस भाग में चोट लगी उसको ऊपर कर देना चाहिए, इससे रक्त का फ्लो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा हार्ट नीचे हो गया, वो वाला पार्ट ऊपर हो गया, तो जब यहाँ से हार्ट से वो पंपिंग होगी तो ऊपर जाने में आपको कोई बताया फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे फ्लो कम हो जाता है, इसलिए हमको उस अंग को ऊपर रखना है। जैसे इस चित्र में आपको दिखाया गया है, इसके पैर में चोट लगी है तो एक चेयर ऊपर रख के, सामने रख के उसके पैर को चेयर में रख दिया गया है, अब इसका हार्ट
यहाँ पे है और चोट वाली स्थान यहाँ पे है, यानी हार्ट से इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है तो यहाँ पर जो रक्त का फ्लो है ऑटोमेटिक कम हो जाता है। फिर क्या करना है, घाव पर दाब लगाएं। अब जहाँ पर घाव लगी है रक्त फ्लो कम तो हो गया लेकिन अभी रुका नहीं है, तो उसको हमको एक पट्टी रख के प्रेस करना है, दबा के रखना है कब तक, जब तक उसका रक्त फ्लो रक्त का भाव कम ना हो जाए या बंद ना हो जाए। फिर जब बंद हो जाए तो वहाँ पर एक टाइट से बैंडेज लगा देनी है, टाइट से बैंडेज लगा देते हैं ताकि उसका रक्त स्राव रुक जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको सहायता बुलानी है, डॉक्टर को बुलाना है, डॉक्टर को बुलाना, ऐसा नहीं कि उसका बंद हो गया है तो बस उसको छोड़ दें, डॉक्टर को बुलाना है, डॉक्टर आके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेगा, उसमें दवाइयाँ लगाएंगा, कौन सी दवाई कौन सी लगेगी कहाँ कितना उसको बताएगा, ठीक है। फिर गहन रक्तस्राव को नियंत्रित करना, घाव के किनारे को आवश्यकता अनुसार एक साथ दबाएं, रक्तस्राव रोकने के लिए घाव पर दाब आरोपित करें, जब रक्तस्राव रुक जाए तो घाव पर एक पट्टी लगा दें तथा इसको मुलायम पदार्थ के पेट से ढक दें, ठीक है, ये आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। फिर पेट के घाव जो किसी धागा टूट के गिरने से हुआ है, आंतरिक रक्तस्राव रोकने के लिए पीड़ित के घाव पर झुके रहने के लिए कहें, यानी इस पेट वगैरह में लगी है तो उसको क्या करना है, उसको पीड़ित को झुकने के लिए बोलना है, इससे क्या होगा, पेट हमारा नीचे दब जाएगा और हमारा स्त्राव रुक जाएगा। यदि बड़ा घाव है तो एक स्वच्छ पैड लें और व्यक्तिगत पट्टी को भरीचा दें, स्वच्छ पैड जो आपके एडबॉक्स में पट्टी होगी उसको लें तथा मजबूती से पट्टी को स्थान पर बांध दें, जहाँ पर घाव लगी है मजबूती से टाइट टाइट से उसको कस दें, और यदि रक्तस्राव उस पर तो एक पट्टी दो पट्टी तीन पट्टी चार पट्टी ऐसे करके आप उसको लगा दो तो घाव के जो रक्त जहाँ रक्त भाव है रुक जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है कृत्रिम श्वास क्रिया, जब कोई व्यक्ति अपने से सांस नहीं ले पा रहा है या बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा है तो हम क्या करते हैं, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया को अपनाते हैं। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में आप लोगों को कल बताऊंगा, आज की टाइम हो गई है, अगली क्लास की टाइम हो गई है, ज़्यादा टाइम हो रही है इसलिए मैं इसको आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। कृत्रिम श्वास की प्रक्रिया क्या है, किस किस मेथड्स कर सकते हैं, सिल्वेस्टर सेफर मुँह से मुँह कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा, इस सब मैं आप लोगों को ये टॉपिक लूँगा, ये आधे घंटे की हो जाएगी, इसके बारे में आप लोगों को कल बताऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग क्लास को चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।